फ्लेक्स भी अभी दिखाएंगे वीडियो में, एक नंबर आ रहा है फ्लेक्स भी, बहुत अच्छी बहुत लड़कों पे लगवाएंगे यार। तो लौंडा लगा रखा, देखो वो लगा रखा है, बाकी गुजर ही कहते हैं तो भाई एक थारा ही हमारे पास ऑडियो सेटअप के लिए, इसमें क्या करना अभी हमें नहीं पता क्योंकि अंदर बैठ के डिसाइड चल रहा है। हाँ लेकिन हमें ये पता है कि हमें अपनी होंडा में क्या करना है। तो भाई नीलेश की होंडा में जो है हमें 2 12 फोड़ डालने, 1 पेटी डालनी है, 1 ड्राई बैटरी डालनी है, छोटा मोटा काम करना है। और इसमें डालना पड़ेगा भाई एक क्या लेंगे, तो भाई इसमें डालेंगे मोको 2500 और इंटरफायर हटा देंगे इसको, जैपको और अपना मॉरल ये दोनों सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जीरो गेज की हमने वायरिंग डाल दी है और इसके स्टफ नहीं हटा के ना, इसकी जीरो के नाम ड्राई बैटरी डालेंगे भाई, स्टफ नहीं कहा क्योंकि और कोई इसमें जगह नहीं है, क्योंकि सिलेंडर भी लग रहा है, फैटी भी लग रही है, सीट के नीचे आएगी नहीं, सीट के नीचे एम्प नहीं आते इसके, हफो हफना है। चलो क्या कर रहा है, खराब कर दे, ठीक कर दे, चलो खराब नहीं करनी, ठीक करनी है। लो जी भाई एक चीज़ और भाई, अंदर जो है ना हमारे पास भाई एक स्विफ्ट आई है गुड़गांव से, 2 4 दिन से हमारी बात चल रही है भाई के साथ। देखो अब इसमें हमने जो है भाई को सारी वायरिंग चेंज कर दी, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि वायरिंग का ज़्यादा काम चल रहा है आजकल, तो सामान तो भाई पे ठीक ठाक था, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ ऐड कर दी, एक हम इसमें मोनो ऐड करेंगे फ्यूचर में, लेकिन हमने अभी भाई को 1.5 712 दे दिया कहीं से अरेंज करके, हमारे पास था नहीं लेकिन किसी भाई के पास रखा था, तो भाई की हमने बात करा दी, अब वो जितने में डील होगी भाई अपने आप कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल में 28,000 को मांग रहा था और 28,000 में ही हमने दिला दिया, तो भाई यही काम था इसमें, तो वायरिंग हमने सारी कर दी, देखो 0 0 करके देखो, तो 4 सिलेक्टर लग रहे भाई गाड़ी में, एक मोको 1500 लग रहा है, लेकिन मोको 1500 हट के भाई इसमें 2000 लगेंगे कोई भी फ्यूचर में, क्योंकि 1.5 712 जो है थोड़ा सा अच्छा बुफर है, थोड़ा सा अच्छा बुफर नहीं, काफ़ी अच्छा बुफर भाई, लेकिन वो मोको 1500 नहीं चला पाएगा, उसके लिए मोनो चेंज करेंगे। तो इसमें अभी काम कर लेते हैं, जब 712 हमारे पास आ जाएगा अभी पोर्टर रास्ते में, तो उसको आपको चला के दिखाएंगे कैसा चल रहा है, बाकी जो भी काम करते रहेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई बात कर रहे हैं स्विफ्ट की, तो इसमें डल रहा है फिलहाल भाई डीवी का 1200, अब इसको भाई ने किसी को सेल कर दिया या किसी को दे दिया, तो इसको हटा कर 1.5 712 लगाना है, बाकी इसमें जो है हाई लो लगा दिया हमने, और पहले यहाँ लग रहे थे अब हमने लगा दिया सीट के पीछे, फट्टा फट्टा लगा के बिल्कुल 0 0। और फ्यूचर में भाई का प्लान है कि इसमें 52 90 लगाएंगे हम, वैसे भाई ने गाड़ी साफ होती बिल्कुल सिंपल बना रखी, हालांकि मेरे ख्याल में 17 इंच है शायद ये, कहाँ है भाई वैसे तो मुझे देख के पता लग जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है, 17 ही है। थार देखो भाई कितनी तगड़ी बना रखी भाई ने, एक नंबर। तो भाई होंडा में जो है ना हमने तो बैटरी तो डाल दी, अब चक्कर क्या है इसमें मोनो चेंज करना पड़ेगा, पेटी इसके रास्ते में आ रही है, बूफर भाई के पास एक रखा है 1200, एक हमने दे दिया, पेटी दे दी, और एक छोटी सी रुकावट यहाँ है जो इसका पिलर पोर्ट थे भाई बनने के लिए, तो हमने दे रखे, तो पिलर पोर्ट तो बन गए लेकिन उसको कपड़ा नहीं चढ़ा, क्योंकि कपड़े वाला लड़का जो है हमारा छुट्टी पे है बहुत दिनों, 4 5 दिन से आ ही नहीं रहा, तो उसके चक्कर में भी वेट करते करते कोई फ़ायदा नहीं, तो नीलेश को मैंने कह दी भाई पोर्ट हमने बनवा दिया, कोई भी सीट करवा रहा तुम्हारे पास हो तो उसके पोर्ट बनवा ले, अरे वाह बिल्कुल सही टाइम पर आए, लो पोर्ट भी बिल्कुल सही टाइम पर आए, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा चढ़ते एकदम सेट हो जाएगा। चलो जी मेड भी तकड़ी लगाई हमने इसमें, देखा अपनी ब्रांड का, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी भाई ये, देखो बहुत तगड़ी चीज़ है भाई, मजाक चढ़ा, ये सेम वही है जो हमने अपनी वरना में डाल रखी है। और सुनो भाई ठीक हो, बढ़िया भाई, दक्ष भाई क्या हाल है, भाई बढ़िया बढ़िया, अब ये बताओ काम कैसा हो गया, सब ठीक ठाक हो गया या कुछ रह गया? भाई सब एकदम ओके हो गया, डबल हो गया जैसे पहले था उससे, जब मतलब आउटपुट थोड़ा सा और बेटर हो गया, और वायरिंग आपकी? वायरिंग तो एक नंबर हो गई, वायरिंग एक नंबर हो गया। तो भाई के पास पहले था जैसे मैंने आपको दिखाया डीवी, ये डीवी 1200 था ना? हाँ भाई। तो अब 712 जो लगाया उसमें मेजर फर्क है या थोड़ा बहुत ही फर्क है? भाई मेजर फर्क है, मजा आ गया ना, मजा आ गया। चलो भाई ये 712 जो था भाई हमारे पास तो था नहीं, ये दक्ष भाई का भी कोई जुगाड़ था जिससे ये ले रहे थे, तो हमने उसी से लेके भाई को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई हमने ज्यादा महंगा दिया, कितने का दिया था आपको वो, क्या रेट दिया था उसने? वो दे रहा था उतने का ही आपको, उतने का ही हमने दे दिया भाई को, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एक बार इसका आउटपुट सुना देते आपको कि 712, देखो हमने डीबी तो सुना नहीं लेकिन 712 तो भाई को सुना ही देता है। I'm
और गलती से दौड़ा तो मैट्रिक खत्म। दो के लिए ड्राइव बैटरी ताम जाम बहुत सारी चीज होती है, लेकिन हमारा काम अच्छा चल गया इसमें। चलो काम आपका बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो धन्यवाद भाई। अबे गाने बंद कर ले, गाना बंद कर, कॉपीराइट आ जाएगा। उस्ताद इसमें क्या क्या कर रहे हैं और बताओ। अरे सुनो, इस थार में क्या क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ। 400 ग्राम कंपोनेंट, 500 के मामा के लौंडा के भाई। तो सारा काम हमने इसमें कर दिया, वायरिंग कर दी, जो भी काम भाई ने बताया वो हो रहा है इसमें। चलो पाइनर के ऊपर पेटी के अंदर भाई, पेटी के अंदर अब जा रहे हैं हम भाई गोकलपुरी। इसके अलावा देख रहे हैं कुछ साफ सुथरा बढ़िया सा अलॉय मिल गया, टायर मिल गया तो ले आएंगे, और नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाएंगे। सच्ची एक घंटा लग गया गोकलपुरी पहुंचने में। अच्छा बालकनी छुट्टी होगी भाई, सही है। हाँ यहीं से ले लो सर, जगह होनी चाहिए बस। चलो तो जगह चाहिए, इसमें तो जगह चाहिए बड़ी। चलो 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 चलो, ये अच्छा जहाज खरीदा हमने, जगह ज़्यादा चाहिए इसे। देखते कोई अच्छा सोलह मिल जाए अभी से। तो यार देखना पड़ेगा भाई। तो भाई पहला टायर खोल रहे हैं, सबसे पहला अलर्ट है ये वाला। अब एक बार इसको लगा के देख लेते हैं। टायर साइज भी इसका सही है, 245 35 20। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं फिर कुछ और देखेंगे इसमें। तो भाई आगे वाला अलॉय खोल रहे हैं उसमें लगाएंगे, और पीछे वाला खोल के लगाएंगे वो वाला। अब देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है इनमें से। वैसे हमें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। साइज भी टेंशन थोड़ी है, टायर इसमें चेंज नहीं है, लेकिन ये तो स्टेट ऑफ। बताओ क्या कहती है, फ्रंट या रियर? रियर अलॉय समझ आ रहा है, रियर टायर समझ आ रहा है। आगे वाला अलॉय समझ में आगे वाला टायर समझ में आ रहा है, और पीछे वाला अलॉय समझ में आ रहा है, क्योंकि पीछे वाला जो टायर है वो थोड़ा सा पतला है। तो वो है 245 35 20, ये 275 35 20, थोड़ी सी दिक्कत है, कहीं ना कहीं सेटिंग में दिक्कत आ गई। तो भाई फाइनली जो है ना ये वाला अलॉय जो है मज़ा नहीं आया इसमें, पीछे वाले चारों लगवा रहे हैं। और एक बार फिर चला के देखते हैं क्यों दिक्कत। 275 लगाने के बाद भी उस्ताद ही गाड़ी नहीं रहा ना, हमारे को पसंद नहीं है इतने मोटे टायर। हाँ लेकिन हाँ गाड़ी में जगह बहुत है ना, ये तो मुझे लग रहा है अगर 25 30 की प्रोफाइल मिल जाए ना तो 22 भी लग सकते हैं, और ये काम हो सकता है टायर किस दिन मिल गया 22। टायर ही तो नहीं मिल रहे, नहीं तो ब्रिज हम कब के लग जाते। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, बल्कि 275 35 20 का टायर साइज देखो जरा, और कोई दिक्कत नहीं, आराम से लग रहा था, मतलब ना लग रहा ना कुछ, मोड़ के भी देख लिया हमने, कोई परेशानी नहीं। बल्कि पीछे वाला टायर जो है वो 245 35 20 है, पीछे वाले फिट करवाते हैं चारों, फिर चलते हैं स्टोर पे। मज़ा आ गया उस्ताद, एक नंबर। तो फिर थोड़ी सी नीचे बैठने देते, फिर देखते हैं कैसी लगवाती है। चलो तो भाई स्टोर पे पहुंच गए। गौतम हाँ भाई, अकॉर्ड के अलॉय बता कैसे लग रहे हैं? अकॉर्ड के अलॉय हाँ जी, पसीना आ रहा है, काम कर रहा आज जो बात सच्चे भाई सच्चे है, देखो किराए पे काम कर रहा। मेरे वो नहीं देखे, मैंने बोला क्या बहुत तगड़े और नहीं, अब बहुत तगड़े लगे और ना लगे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बच्चे हैं भाई। अरे मतलब समझ जाओ आप। हाँ भैया हमें हम तेरी बात समझ गए, तेरे हिसाब से तो 1 लाख के लगने चाहिए थे, लेकिन अब की बार 1 लाख खर्च नहीं करने थे हमें। मेरे साथ 1 लाख के लगने चाहिए थे, मतलब भाई नए लगते तो 1 लाख के लगते हैं, जो तुझे पसंद है। अच्छा वो वाले है ना, लगते ना तगड़े, तो कोई बात नहीं भाई। देखो अब की बार थोड़ा सा हमने कंजूसी कर दी अपनी गाड़ी में, यार कंजूसी क्या कर दी, मजाक से हट के अगर आदमी चलाए तो हम उसे बोले। हम भाई से कह रहे थे ना, हाँ व्हाइट वाली पोलो में अलॉय लगवाए, हाँ वो भी मेरे ख्याल से 70 1000 की, तो वो भी लगवाएंगे। वो लगा थे 67 के, हाँ वही 3000 कम, 3000 कम। फिर वो चलाई 4 महीने, 4 महीने चलाई, ये चलाई 2 महीने भी नहीं चलाई, ठीक है। और ये भाई हम 5 मई को लेके आए थे, हाँ 5 अप्रैल को, अप्रैल को 5 अप्रैल, ये 2 महीने हुए नहीं है सब पूरे, है ना? हाँ 2 महीने पूरे नहीं, और उससे पहले। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या हाल भारत भाई? ये हमारा उस्ताद का दोस्त है भाई, बक्का यार है। चलो तो बात कर ले भाई होंडा सिटी की। तो होंडा सिटी में एक बुफर भाई के पास था, एक हमने भाई को नया दे दिया, पेटी भाई की नई बना दी, और इसमें एक फ्यूज़ भी डाल दिया भाई बैटरी में, जो पीछे कनेक्शन करना था। पिछली बार बैटरी नहीं डाल दी, अब की बैटरी डाल दी, फ्यूज़ डाल दिया, 0 की वायरिंग डाल दी सारी, और
इसमें हमने लगा दिया भाई मोको 2500, इंटरफायर हटा दिया, बिल्कुल सारी सेटिंग सेम है, वायरिंग सारी कर दी है, दो चार मिनट में वो पेटी कप जाएगी। और इसके जो पिलर पॉट थे भाई, पिलर पॉट हमने लगा दिए, दो के लगा दिए, ऐसा अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे थोड़ा भाई ये सेम कपड़ा चढ़ गया तो मज़ा आया, क्योंकि कपड़ा वाला आज भाई था नहीं अपने गाँव में, कोई उसका खत्म हो गया तो वहाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार इस पेटी कफ लेते हैं, उसके बाद इसको अपना आउटपुट सुनाते हैं। और बात करें भाई थार की, तो भाई थार का भी सेटअप जो है ना कम्प्लीट हो गया है। इसमें हमने एक सिंगल लगाया, हाइलो लगा के चार कॉम्प्लेट लगाए फोकल के, दिख रहा होगा। चलो इसका आउटपुट सुना देता हूँ मैं आपको एक बार। और बूफर हमने इसमें डाला है पाइनियर का, गाड़ी के अंदर तो अच्छा बज रहा है, देखो बहुत छोटा सा इंक्लूजर है, जैसे मेरे भाई चाहते हैं कि थार में एक अच्छा सा बज जाए तो, लेकिन ये भी भाई गाड़ी के अंदर तो बहुत बढ़िया बज रहा है। और 1000 में इसका बूफर दे दिया, ओ एम्प दे दिया, अब चाहे तो भाई फ्यूचर में एक एम्प और लगा ले, एक एम्प, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो भाई एक मोनो लगा दिया 1000 में इसका, और बूफर लगा दिया 400 का, तो एक मन करेगा तो भाई और लगा सकते, अब मैंने सही बोला है, या, है ना। चलो कभी कभी हो जाता है यार, मैं थक जाऊँ। चलो इसका आउटपुट सुना देता आपको, बाकी गुजर ही कहते हैं। सारा हो गया, सारा काम खत्म, इसका एक बार आपको आउटपुट सुना देते हैं, इस तरह लो जी। लो जी भाई थार काम खत्म, और नीलेश भी आ गया भाई होंडा लेने, अगौड़ बहुत तकड़ी लग रही है भाई, मजाक से एक नंबर। अब ये सुबह काली वाली कराएंगे, छोटा मोटा स्पॉइलर लगाएंगे, एक आधा कोई M3 कवर लगाएंगे, तो भाई अकॉर्ड भी ऐसे कर देंगे हटो पड़ते, जैसे हर गाड़ी कर रहा है। और थार वाले सारे भैया बैठे हैं वरना, मैं इसका सेटअप सुन रहे हैं, लगा लगा बहुत बढ़िया, तो डेली यही होगा हरसो। अब एक बहुत बढ़िया काम मिल गया, लेकिन काली वाली से तो कम ही मेहनत है इसमें, अरे काली से है ना उस्ताद, पर ये एक आदमी मारेंगे लगा रखा, देखो लगा रखा पता है, एक आदमी पानी मार रहे फिर तो रात को डेली मौन जाएगी, अभी रात इसमें पॉलिश भी लगेगी, अभी टायर में देखिए तो लगी, अभी तो काले पड़ जाएंगे टायर, जूना सरफ साबुन मौन देंगे आज तो भाई, हाँ ऐसा सेट कर देंगे, कतई गलती इनकी ना ना, कल दो चार दिन से ही ऐसे खड़े हैं हम, जब ना लगा पानी, और आज अलग डलता ही पानी का, ये नहा भी सके, हाँ जी हमारी गाड़ी नहीं। चलो हरसो थार कैसे बज रही है बताओ, बढ़िया बज रही है भैया, बज रही है बहुत तगड़ी। चलो भाई का बहुत सिंपल सा छोटा सेटअप था, जैसा भाई चाह रहे थे इतना ही मिल गया भाई, होंडा काम हो गया सारा कंप्लीट, नीलेश हो रहा है थोड़ा सा लेट, तो इतने फिटिंग करते हैं, इतने मैं आपको इसका आउटपुट सुना देता हूँ। बूफर हमारे ये रखे बहुत आराम से, इसकी पहले हमने मैनुअल सेटिंग करी, फिर थोड़ी सी बाहर लगाई, अंदर बजे अब बढ़िया बजे, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ी सी अंदर ऐसे कर लो, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी हो जाएगी, हाँ ऐसे बस ठीक। और भाई बहुत अच्छी बजती है, मजाक फट गए, बेसनो भाई येरा गैरेट का यूनिवर्सल, किसी भी गाड़ी में आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी में लगता है, आप चाहे इसे चार्जर में लगा लो, चाहे मोनो में लगा लो, कहीं भी लगा लो। हाँ जी नीलेश क्या हाल है, बढ़िया सेटअप सुन लिया, तसल्ली पड़ी नहीं पड़ी अभी, अब पड़ गई बिल्कुल तसल्ली, थोड़ी सी बढ़िया लग रहा है, लेकिन गाड़ी का पीछे वाली विंडशील्ड अगली अंदर तो पूरी कर भर के आ रहा ना मजा, बढ़िया। चलो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारी होंडा जो है बहुत बढ़िया अच्छी बज रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम सेटअप ऐसा हो गया जैसे हमने ब्रीजा में चलाया था 5-6 महीने, मतलब 2-1200। अब एक बार इसका आउटपुट सुना देते हैं आपको, और ये फ्लैग फ्लैग भाई बहुत बढ़िया बज रही है, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल देखो टैंक पूरा फुल है, नीले ये पेट्रोल टैंक का क्या मतलब क्या सीन है, मुझे समझ में नहीं आ रही, जितने सीएनजी वाले रहते हैं सबका ऐसे ही रहता, मतलब आधा तो मेरा रहता, मेरा भी रहता, तुम्हारा फुल है। सीएनजी पे कम चलाता हूँ, बहुत कम ही चला रहा हूँ अभी तो फिलहाल, चला ही नहीं रहा 4-5 दिन से, सीएनजी पेट्रोल पे चल रही है, अच्छा इसलिए टंकी फुली करा देता हूँ, बार बार 1500 का 2000 का डलवाओ खत्म होएगा, एक बार फुली करा दो। नहीं कहने का मतलब ये है कि सीएनजी पे कम ही चला रहे हो? हाँ सीएनजी में कम चला रहा हूँ, क्या पता फ्यूचर में सीएनजी हटा भी। अच्छा ऐसा भी प्लान है? ऐसा भी है, अगर ये सिस्टम से भी संतुष्टि मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर
और भी इससे कुछ नहीं यार, ये अब अच्छा बज रहा है, नीले सब मजाक फट गया, अभी अच्छा अच्छा देखो बज रहा है, पर वही है ना, मन एक टाइम के बाद भर जाता है तो इंसान सोचता है कि और अपग्रेड करो। इसके बाद क्या करने का रहा भाई, इसके बाद तो हॉन्डा में 2400 जा रहा है, उससे ज्यादा क्या कर, इससे ज्यादा क्या होगा इसमें भाई, इससे ज्यादा फ्यूचर वो हम बताएंगे जब वो आप ही बताओगे मेरे को, तो इतना उसके लिए फिर हम बैठे हुए करेंगे जुगाड़बाजी, जैसा अभी 2400 चल रहे हैं फिर 2500 डालेंगे बिल्कुल, है ना, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे इसमें। तो इसको भाई एक बार कनेक्ट करो आप और इसका आउटपुट सुनाओ कोई बढ़िया सा, पहले एक बार इंग्लिश सुनाएंगे जिसमें नॉन कॉपीराइट आएगा, फिर आपको पंजाबी सुनाएंगे जैसा हर गाड़ी में सुनाते हैं, और इसका फ्लैक्स अगला पिछला सब हिल रहा है मजाक फट के, गाड़ी के अंदर भी आ रहा है, और थोड़ा सा इसमें भाई ने कपड़ा लगा रखा था जैसे मैंने सीट कवर डलवाए थे, तो अब की बार हमने ना इसमें से थोड़ा सा एयरबैग दे दिया, वैसे तो सिलेंडर आ रहा बिल्कुल पीछे, क्योंकि मैंने सिलेंडर बिल्कुल ऐसा लगा रखा नीले इसमें कि पेटी बहुत प्यार से आ जाती है हमारी इसमें, बिल्कुल है ना, बहुत जगह है इसमें, अभी भी 2400 RMS के हिसाब से बहुत जगह है, और पेटी भी बिल्कुल प्रॉपर साइज की बनी है, ऐसा नहीं कि मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज करना, ना ना पेटी एकदम तो कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल, जो 1200 की पेटी बननी चाहिए थी सेम वही बनी है, बिल्कुल वही बनी है, और बेस भी अभी दिखाएंगे वीडियो में, एक नंबर आ रहा है, फ्लेक्स भी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, थोड़ा पेच होता है कॉपीराइट आता है, काम हमारा खत्म, अब नीलेश चल रहा घर और हम चलेंगे अपने घर, 10:30 हो गए, हमारे साथ भाई छोड़ गए, भाई कैसा लगा था सेटअप? बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत बढ़िया मजा, आउटपुट अच्छा था, बहुत बढ़िया मजा आया, बाकी भाई मान की गाड़ी लाए ये भी हम दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छा सेटअप कर रखा लक्ष्य ने इसने, देखो दिख रहा है वो जा रही, दिल बन रहे पीछे से, चलो भाई उसको भी आराम से दिखाएंगे, अभी पहले भाई लेट हो रहे, इनको जाने देते हैं, फिर मिलते हैं सारे भाई, लो भाई एक जादू देख लेते हैं जो लक्ष्य ने करा है, देखो वैसे तो मैंने इसकी पूरी वीडियो देख ली है, मेरे बहुत सारे भाई ने देख ली होगी, लेकिन जो बच गए होंगे 2-4 वो मैं दिखा देता हूँ भाई, अपनी वीडियो करते हैं एंड, और होंडा में, स्विफ्ट में, थार में, और अपने अकाउंट में एक ही ब्लॉग में इतने सारे काम दिखा देता हूँ मैं, अगला तो कल का, तो और तगड़ा ब्लॉग भाई, कल का जो ब्लॉग आएगा वो कल का नहीं आएगा, मतलब 3-4 दिन बाद आएगा, नहीं कल ही डाल देना, 3-4 दिन बाद तो बंदे को सब पता लगे क्या हुआ, अच्छा हाँ उसका तो संडे राइड वाला ब्लॉग था वो कल ही दिख गया, कल शाम को डाल दूंगा उसे, तो चलो भाई कल हमारी संडे राइड है, किसी मेरे भाई को अगर आ रहा हूँ तो लोगों से क्या पता है टाइम ऊपर नीचे हो जाए, आज क्या तारीख है, आज शनिवार का वीडियो देख रहे हो आप, ये राइड कल सुबह है, कल संडे जो भी तारीख है 7 जुलाई संडे, कल ही सुबह 6 बजे का मीटर है पहला, और दूसरा मीटर 6 बजे डिसेंट कार दिलशाद गार्डन, 7 बजे डीएनडी टोल, तो भाई किसी को अगर आना हो तो सारे भाई मोस्ट वेलकम, बस आके हल्ला गुल्ला मत करना, तो बदतमीजी करना अभी बता रहे, अगर किसी को ऐसे ऐसे चलानी हो तो मत आओ, अगर ऐसे चलानी हो ऐसे चलानी है, उटर बजाने टेढ़ी मेढ़ी लहर बनानी तो अपने घर रहो भाई, हाँ तो मत आना भाई, लेकिन अगर आपके तरीके से प्यार मोहब्बत चलाओ तो सब आओ, चाहे किसी में एल्टो चाहे जहाज हो, जो मर्जी गाड़ी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए और आदमी शौकीन होना चाहिए, ठीक है भाई, तो अपने वीडियो को करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक ले रहा हूँ जब।